यूपी में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। आपको बता दें कि योगी ने 2022 के एजेंडे पर रोडमैप बनाया है और मैराथन मीटिंग में एक बड़ी बात कही है, 300 के पार का नारा दिया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ही होंगे चेहरा और यूपी बीजेपी में सियासी गहमा गहमी आपको बता दें कि पिछले डेढ़ महीने से तेज है। योगी ने 2022 के एजेंडे पर रोडमैप बनाया है, मैराथन मीटिंग में ये बड़ी बात कही है, 300 का नारा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे 2022 के चुनावों का चेहरा। जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में दो महीने से जिस तरीके के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तमाम तरीके के अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम नाम सामने आए थे, फिर कहा गया कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। और मैराथन मीटिंग में एक बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, 300 के पार का नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, एक तरफ जहां पिछले दो महीने से सियासी हलचल जो है उत्तर प्रदेश में देखने को लगातार मिल रही थी, ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही 2022 के चुनाव में चेहरा होंगे। देखिए ऐसी बिल्कुल, जिस तरह से दो महीने से ये मैराथन की बैठक संगठन और सरकार के बीच और पदाधिकारियों के बीच ये चल रही थी और उस बीच तमाम ये अटकलें निकल कर सामने आ रही थी, अटकलें लगाए जा रहे थे तमाम लोगों के, और तमाम जो जानकारियां हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों के पास आ रही थी कि इतना संगठन में और विधायक में, विधायक और सरकार के बीच कुछ मतभेद है, योगी जी का चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन इन सब अटकलों पे पूरी तरह से विराम लग गया है। एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में शायद योगी जी का ये जो 2022 का चुनाव है इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस तरह की अभी हालांकि जिस भी नेता से बात की गई इस विषय में सबने यही कहा कि जो 22 का इलेक्शन है वो योगी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और इसके और भी तमाम फैसले जो है वो शीर्ष नेतृत्व को हालांकि करना है, लेकिन जिस तरह से जो अरुण सिंह है ये भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो 22 का जो इलेक्शन है वो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जिस तरह से बीएल संतोष संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं वो आके लखनऊ में बैठक किए हैं और तमाम संगठन के नेताओं से पदाधिकारियों से मुलाकात की गई। और आप सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कल की जो तस्वीर थी, जिस तरह से पुत्र वधू जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य के जो पुत्र वधू है उनको जाके खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर जाते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद पुत्र वधू जो उनकी नौ जोड़े हैं उनको आशीर्वाद उन्होंने दिया अपना। उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई, इस सब तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी तमाम लोगों के लोगों से ये सुना गया था कि कुछ अंदर गड़बड़ है और लोग नाराज हैं, लेकिन अब सारी अटकलों पे विराम लग गया है, कहीं पे भी योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी साफ हो गया है बिल्कुल। लेकिन अब इस पे जो पूरा जो अमली जामा जब पहनाया जाएगा तो इसमें शेष जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी अनुमति होगी, उसके बाद ये तय होगा। हालांकि ये बीजेपी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और इसमें जो 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 निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि योगी जी ने जिस तरह से अभी दो महीनों में लगातार, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना हो उनको आशीर्वाद देने, उनके बच्चों को, या उनके घर लंच करना हो, उसके बाद तमाम जो विधायक सांसद है उनके साथ तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं, लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरह पार्टी कार्यालय में अब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हलचल रहती है, गहमा गहमी रहती है, तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है, और खुद योगी जी संगठन के मीटिंग में आए और उन्होंने बातचीत की जिसमें तमाम संगठन के लोग जो प्रभारी है राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष जी और डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के लोग सुनील बंसल जी, तमाम लोग
अब ये चुनावी जो रणनीति है 2022 की, इसकी पूरी रूपरेखा को किस तरह से बेहतर किया जाए, इसको लेकर ये बैठक में पूरे ये एजेंडे तय किए गए। लेकिन अब जो है योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये बात बिल्कुल साफ तौर से देखी जा रही है कि जिस तरह चुनावी मोड में योगी जी खुद नजर आ रहे हैं और लगातार पार्टी कार्यालय से लेकर अपने दफ्तर तक मिलने वाले जो भी संगठन के लोग हैं, जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं लगातार। हालांकि अब ये अब पूरी जो ये कवायद है ये कहीं ना कहीं 2022 की तरफ इशारा करती है, और योगी जी का जो जिस तरह से नेतृत्व शीर्ष से उनको अनुमति है कि आप काम करिए, तो वो काम कैसे बेहतर करना उस पर वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, और काम को बेहतर करने के लिए आए दिन वो कहीं ना कहीं कोई नया आयाम स्थापित भी कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल उमेश जी, जिस तरीके से अभी हालांकि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ही योगी आदित्यनाथ ही आगे चेहरा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। आपसे और भी जानकारी लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी के पोस्टर बॉय की। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा सकता है। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं यूपी का पोस्टर बॉय। कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में लाए हैं, वो जिस तरीके से वो जमीनी स्तर पर जाकर उन्होंने चेकिंग की, मैदान में उतरे, आम जनता की परेशानियों को सुना, शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी कोरोना काफी नियंत्रण में रहा। उस कार्य की सराहना बीएस संतोष ने भी की, और मैराथन मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 के पार का नारा दे दिया, और यूपी बीजेपी में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ उमेश मिश्रा जी बने हुए हैं। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीआर संतोष ने जिस तरीके से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और कहीं ना कहीं ये जायज भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है और उसके बाद से जिस तरीके से वो मैदान में उतरे और आम जनता के बीच गए, उनकी परेशानियों को समझा, उसका निस्तारण किया, और जो उन्होंने मैराथन मीटिंग में 300 के पार का नारा दिया है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कोरोना का जो संकट एक तरह से हम लोग झेल रहे थे, और जो एक बहुत बड़ा संकट था सरकार के लिए, हम सब के लिए और सारे लोगों के लिए, उसके बाद वो खुद अस्वस्थ होते हैं, और जिस तरह से अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने लगातार तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की, बातचीत की, अधिकारियों से लगातार वो संपर्क में रहे और सबको दिशा निर्देश वो लगातार इसको देते रहे अधिकारियों को कि कहीं कोई कमी ना होने पाए। स्वास्थ्य विभाग के लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहते थे, और जिस तरह से कम ही समय में उन्होंने 75 जिले का दौरा किया कोरोना संक्रमण में, और व्यवस्थाओं को देखा कि आगे हमें जो चुनौतियां आनी है उससे हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है। बहुत कम समय में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब कर दिखाया,
हालांकि उनके कामकाज को लेकर कोई भी कोई टीका टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं कर सकता कि वो सबसे ज्यादा समय देते हैं, काम को लेकर देते हैं, चाहे वो दौरों की बात हो या जिस तरह से पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन्होंने पूरा दौरा किया और दौरों में ये देखा कि आगामी जो तीसरी लहर की आशंका है कोरोना के तमाम और उसके स्वरूप आ सकते हैं, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने व्यापक इंतजाम के पूरे निरीक्षण किए और इस बात को लेकर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि कहीं पे भी अगर कोताही होती है तो इसमें अगर लापरवाही बरती जाएगी तो समझिए कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। उन्होंने उमेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। उमेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये भी बात सच है कि इस वक्त विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है जो वो सरकार पर लगा रही है। वर्चुअली सही ट्विटर गेम वॉर चल रहा है। जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो बहुत कम ही विपक्ष नजर आता है जमीनी स्तर पर, लेकिन मोदी और योगी के पास जिस तरीके से उनके काम का जो ब्यौरा है, जो विवरण है, वो कहीं ना कहीं वो एक तुरुप का इक्का जो है वो इस विधानसभा चुनाव में काम आएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी में अब ये कवायद तेज हो गई है कि जन जन तक ये बात पहुंचानी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या काम किए गए हैं, सबका साथ सबका विकास योजना हो, या फिर अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अगर हम बात करें तो गरीब किसानों के लिए या फिर गरीब जो लोग हैं जिनकी जीविका खतरे में आई लॉकडाउन को लेकर, उनको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए वो काफी सराहनीय रहे। देखिए ऐसी बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो कोरोना का संकट था और उसके दौरान उन्होंने जो भी फैसले हैं, व्यवस्था है, उसको लगातार वो मूर्त रूप देने के लिए लगे रहे। हालांकि जो संगठन की बैठक हुई है इसमें इस बात को भी जोर जोर से उठाया गया है कि जो सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चला जा रही हैं, चाहे वो केंद्र के तरफ से चलाई जा रही हो या राज्य के तरफ से चलाई जा रही हो, कितना कुछ अमली जामा आम जनमानस में इसका मिल पा रहा है, कितना लोग लाभ उठा रहे हैं, इसकी भी पूरी अब पार्टी के संगठन के नेताओं के जरिए बिल्कुल बिल्कुल उमेश कहीं ना कहीं इसका खाका तैयार करने की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब पात्र लोग हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत की वजह से, अधिकारी बहुत जिम्मेदार है क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा उसको सुधारने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि बी एस संतोष लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो गरीब पात्र लोग हैं उन तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जाए। बिल्कुल 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 सरकार ये चाहती है कि जो भी पात्र हैं और जो भी सरकार द्वारा केंद्र हो या राज्य हो, जो भी योजनाएं चलाई जा रही उसके हकदार जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ मिले। ये देखा गया कि तमाम सरकारें तमाम योजनाएं चलाई गई लेकिन उस अमली सही पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सरकार बैठक इस बात है आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही होंगे चेहरा, ऐसे संकेत लगातार मिल रहे हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, योगी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, यूपी के पोस्टर बॉय होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मैराथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 के पार का नारा यहां पर दिया है और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जाकर इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जितनी आबादी है और जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण का खतरा इतनी तेजी से फैला, मुख्यमंत्री खुद अस्वस्थ हुए और शायद वो अस्वस्थ नहीं होते तो स्थिति उत्तर प्रदेश की इतनी खराब नहीं होती, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो स्वस्थ हुए और जमीनी हकीकत पर जाकर उन्होंने जनता के बीच जाकर जिस तरीके से चीजों को नियंत्रण में किया, उत्तर प्रदेश की आज ये स्थिति है कि कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में है, बहुत हद तक नियंत्रण में है और तीसरी लहर की भी जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, करो ना को हरा रा रा।
का हो खेल खत्म, खुल के जिए भविष्य में हम, आओ सब ये ले कसम, आओ सब ये ले कसम। कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है, हर कोई हरदम मास्क लगाए, दो गज की दूरी निभाए, हाथ धोकर सफाई अपनाए। कोरोना को चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़े